हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग चैनल। तो यहाँ पे होली की तैयारी शुरू हो गई है और बरसा बना रही कचरी। और तो दिन कितने रह गए होली के? है ना, आज कल ही तो ताई देख रही है, ताई हंस रही है। तो यहाँ पे बना रही है बरसा कचरी होली के लिए। कचरी तेरी घोले काय का है? ये मैदा का। मैदा का घोल? हाँ। ये रहा घोल। कलर क्या डाला इसमें? ऑरेंज रेड है ये कलर। इसमें भी गुठली कर दी बिल्कुल। गुठली तो है, तो देखिए ठीक से ना, ठीक से टूट रही है। और तो देख गुठलियों की वजह तो है ही। देख तू क्या बैठा है यहाँ पर? आलू कर रहा हूँ। कटी सुखा रहा और का मैं इसका देखभाल ना करूँगा। हम्म, अरे मैंदा का है ना, तो मैंदा तो दिक्कत आती है। बहुत घोल घोल के बनाया तब भी। हम्म, अभी ऐसा हो ही गया। गुठली ना होती ना, किस टाइप की टूटती है अच्छे तरीके से। हम्म, गुठली होती है। पलंग से मामला निकल गया, पन्नी गई। ये तो लीक हो गया है ना, पन्नी गई काम से। सब निकल गई। एक बुन होता हलवाई वाला कपड़ा, बोल्ट लगा आता है उससे अच्छी टूटती है ना। कौन बोल रहा है? अरे चाचा से मंगा ली रेडीमेड। कौन ले आएंगे? ये उस समय मैं लेती गई। उस समय मैं लेती सुभान से। ओफो, सारी पन्नी ली। सब पन्नी लीक हो गई। तो जो नई पिन्नी आई हुई है, क्योंकि वाली जो पलथी थी वो सब फट गई थी, बहुत बुरी हो गई। अब इस ये भी देखो पता नहीं कहाँ तक साथ देती है। अरे अच्छी पिन्नी मंगाती ना, मैं बताऊँ तो थोड़ा थोड़ा भर, पिन्नी भी आ गई है। अब देखते हैं ये कितने चलती है कचरी के लिए। कम भरना, पिछली बार तो कम ही सही तो बन रही है, मोटे ना बननी है। अरे चल सूख जाएंगी, ये तो गुठली है। मतलब हल्के हाथ से निकाल। ओफो क्या निकल गई ये, इसमें गुठली है ऐसे ही दो। कितनी शानदार शानदार कचरी तोड़ी जा रही है। ऐसा करिए, बखर में डाल दिए ना, बिल्कुल जले बन जाएंगे। कोई है तो वैसे ही मैंने कचरी है। पर ये है, अरे तो हम बना रहे हैं होली के लिए कचरी मैंदा की। थोड़ा कम जो लाख तोड़ तू तो बहन पूरी बालू साई बना रही है। तू तो बालू साई थोड़ी जले ही बन रही है इसकी पूरी। अरे कोई ना, सूप के साथ तल के खा लेंगे। नमक डाल दी इसमें? नमक सोडा सब है। हाँ? नमक सोडा सब है। क्या नाम है? अगर इसकी जगह हम मीठी चटनी डाल दो, चीनी क्या? हाँ तो कचरी में। हाँ तो मीठी कचरी ना बन जाएंगी। हाँ तो मीठी कचरी कौन खाएगा? इतनी बुरी लगेंगी। हाँ ये तो बहुत बुरी लगेंगी, बहुत बेकार लगेंगी। हाँ वैसे हवा से ना सारा घोल सूख गया है। ठंडा हो गया, ठंडा हो गया, ठंडा। इसका बड़ा ही हो गया ना। थोड़ा सा बड़ा हो गया। कचरी तो इतनी ही बन पाई है क्योंकि वो बार बार जब पॉलिथीन में खराब हो रही थी। तो अब बना रहे हैं हम मैदा के पापड़। यह बना है पहला पापड़, अभी है सेकंड पापड़। करचली से बनाती ना, इस चरम में बनते सी बने। करचली से सब छेद में लगा, इससे तो बनेगा ना। प्लेन वाली जो करचली होती है
उससे सही रहूंगा। फिर उससे भर के कैसे लाऊंगी? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैना के बन रहे हैं पापड़ होली के त्योहार में। सारे पापड़ ही बनाएगी, क्योंकि कचरी क्योंकि घोल जो हो गया था खराब, कचरी इतनी बन नहीं पा रहे हैं, तो इसलिए हम पानी तो यहाँ पर बन रहे हैं इसलिए पापड़। कचरी बस ज्यादा नहीं, इतनी बनी है, बस थोड़ी सी बनी है कचरी। तो कोई ना, होली पे कचरी बनती है, आलू के चिप्स भी बनते हैं और पापड़ भी बनते हैं। अब मैं बताऊँ, इन पापड़ों को ना करचली से ना टूटाना, तो टूटेंगे नहीं, है ना? क्या छूट गया, घोल तो आधा ही बचा है ना। ये बन गए हैं, देखिए अभी सब चिपक रहे आए तेल की वजह से। अच्छी चिपक रहा है। तो हम बना रहे हैं इसमें पापड़। अगर तू बुरे बनाए ए पापड़ दे चिकना कर दे, जैसे ये है देख पापड़। तू तुम जा, मैम की भी कोई चीज होती है। तो ये बन रहा है पापड़। पापड़ तू मत, तू पापड़ सही से बना ले, यहाँ पे टूटी है तीन तरह की कचरी, और ये ऑरेंज कलर की कचरी, और ये है ग्रीन कलर की कचरी, और ये बनाई गई है चावलों से। चावल की कचरी खाने में बहुत टेस्टी लगती है, और ये सुबह को हम तल के खाएंगे इनको। और यहाँ पे तोड़े गए हैं गोबर के बरबूले, और बरबूले सूख गए हैं अभी, जब तक होली का दहन नहीं आ जाता अभी कंटिन्यू सूखेंगे। और मैं आपको दिखाती हूँ ये बनाई है होली। ये होली बनाई गई है, और देखो बरबूले कितने अच्छे से बनाए, बिल्कुल फिनिशिंग पे। तो बरबूले किसने तोड़े हैं? ये उड़ गई, अरे फिर से रख दे। तो बरबूले की माला कब बनाएगी? बरबूले की माला उसी दिन बनाएंगे पूजन वाले दिन। तो हम इसकी बरबूले तो तोड़ते हैं, इनकी बनती है आगे नहीं बचाऊंगी, आगे लेके जाऊंगी, आगे लेके जाएगी। इनकी बनती है माला बरबूलों की, और जो बीच में ये बना ये रहेगा माला का, माला का मेन लॉकेट। डिजाइनदार होली है ना वो घर पे। अच्छा, वो सादा की होली होली है बाहर, ये प्लेन होली बनाई गई है। फिर डिजाइन इनकी बनेगी, गोवर्धन पर्वत लग रहा है। अरे हाँ बिल्कुल बनाया है भाई, जो किशन जी ने उठाया था गोवर्धन पर्वत लग रहा है बिल्कुल। ये नहीं छूट रहा है ना अभी, और इन बरबूलों की बनेंगी मालाएं, और फिर हम चढ़ा जाएंगे इनको होली पे चढ़ाएंगे, और मंदिर में चढ़ाते हैं, और जैसे खेत होता है ना तो खेत भी चढ़ा देते हैं, क्योंकि अच्छा माना जाता है गांव में। अभी पान सारा सूखा नहीं है, अभी इनमें टाइम लगेगा, अगर पलट देंगे तो ये टूट जाएंगे।